अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे बिटिया, तू मेरी बड़ी खिदमत करती है। अरे आज तो चल चल के मेरे पैरों की जान ही निकल गई थी। वैसे माशाल्लाह से सालार मियाँ और मारिया दोनों साथ साथ बैठे कितने अच्छे लग रहे थे। शहजादे और शहजादी की जोड़ी लग रही थी दोनों की। नबी जी, ये शहजादे तो शहजादियों को ही मिलते होंगे ना, जो बड़े बड़े महलों में रहती हैं। हाँ ये हकीकत है, लेकिन कभी कभी शहजादे भटक कर गरीबों की कुटिया में भी आ जाते हैं। अपना रास्ता भूलकर आ जाते होंगे, और जो रास्ता भूलकर आते हैं ना, वो बहुत जल्द वापस भी चले जाते हैं। अरे मेरी बच्ची, ये तो नसीबों की बातें हैं, लेकिन देखना तेरे नसीब में भी अल्लाह ताला ने कोई शहजादा ही लिखा होगा। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ अन्ना, और मेरे नसीब में क्या है, वो तो साबित में बता के गया है ना। अश्मा, बात में बात क्यों रोने लगती है तू बेटा? कि मेरी माँ मेरे नसीब की सारी खुशी अपने पल्लू से बात कर ले गई और अपने सारे गम मेरी झोली में डालकर चली गई। मैं तो बात बात में आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस फजूल बातें ना सोचा कर। अरे वो मुआसादत दफा हो गया ना तेरी जिंदगी से। अरे अच्छा ही हुआ, अब तू उसकी बात को दिल से मत लगा। अच्छा नहीं हुआ ना भी, वो मेरे नाम पर दाग लगा के गया है। आपको पता है ना कि जिन लड़कियों का रिश्ता टूटता है, लोगों को किन नजरों से देखते हैं, कैसी कैसी बातें बनाते हैं। अरे दफा कर लोगों को, लोग तो बातें करते ही रहते हैं। देखना अल्लाह तेरा नसीब कितना अच्छा करेगा, शहजादा आएगा तेरे लिए शहजादा। अब चल बेटा सो जा, बहुत थक गए हैं, सुबह भी जल्दी उठना है, बहुत सारे काम करने हैं। ना सोचा कर उस मुआसादत के बारे में, सो जा। चल शाबाश मेरा बच्चा, सो जा, सुबह जल्दी उठना है।